वाराणसी से चुनाव लड़ने पर प्रियंका का बयान, परिवार ने चुनाव लड़ने से कभी नहीं रोका। प्रियंका ने कहा, चुनाव नहीं लड़ने का फैसला निजी, जब दिल करेगा तब लड़ूंगी चुनाव। प्रियंका बोली, अगर मैं चुनाव लड़ना चाहती तो परिवार का मिलता सहयोग, मां भाई पति की मिलती मदद। प्रियंका बोली, राहुल ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया, भाई ने कई बार कहा मुझे आगे बढ़ना चाहिए। प्रियंका बोली, मैंने हमेशा कहा है मेरा फोकस अमेठी रायबरेली सीट पर है और रहेगा। प्रियंका की राजनीति में आने ना आने पर बोले दिग्विजय, कहा प्रियंका का चुनाव लड़ना ना लड़ना गांधी परिवार का मसला। हाँ ठीक है, ये तो उनके परिवार का मामला है, जैसा ठीक समझे। प्रियंका के बयान पर मुखर हुई बीजेपी, नकवी ने कहा वाराणसी से लड़ती प्रियंका और वडोदरा से लड़ते वाड्रा। नकवी ने दी चुनौती, कहा गांधी परिवार का कोई भी सदस्य राजनाथ आडवाणी मोदी के खिलाफ जब चाहे लड़ ले चुनाव। प्रियंका गांधी जी को बनारस से चुनाव लड़ना चाहिए था, उनके पति रॉबर्ट वडेरा जी को बड़ौदा से चुनाव लड़ना चाहिए था, और भी जो उनके कुनबा है कांग्रेस के कुशासन का कुनबा जो चुनाव के मैदान से भाग गया उसको भी कहीं ना कहीं से लड़ना चाहिए था। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा का मोदी पर तीखा हमला, मोदी के पीएम बनने पर उठाए सवाल, कहा मोदी पीएम बने छोड़ दूंगा कर्नाटक। मोदी ने देवेगौड़ा के बयान पर कसा तंज, कहा देवेगौड़ा का गुजरात में है स्वागत। मोदी बोले, अगर देवेगौड़ा चाहेंगे तो उनके लिए होगा वृद्धाश्रम का बंदोबस्त, जहां होगी देवेगौड़ा की सेवा। मैं पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत करूंगा, आपको ओल्ड एज होम में रहना है तो मैं वहां व्यवस्था करूंगा, फार्म हाउस में रहना है तो वहां व्यवस्था करूंगा, मकान नया खरीद के रहना है तो वो व्यवस्था करूंगा। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया बाड़मेर में जसवंत सिंह को समर्थन करने का आरोप, राहुल की बाड़मेर रैली रद्द होने पर उठाया सवाल। ये निराशा का सूचक है, अच्छा संकेत है कि वास्तव में भारत जो है कांग्रेस मुक्त होगा। बाड़मेर से कांग्रेस उम्मीदवार हरीश चौधरी ने आरोपों को किया खारिज, कहा नहीं हूं डमी उम्मीदवार। नहीं, राहुल गांधी जी का दौरा जानबूझकर कैंसिल नहीं हुआ है, राहुल गांधी जी का प्रस्तावित दौरा था, वो टेंटेटिव दौरा था, जसवंत सिंह जी को किसी भी रूप के अंदर कोई भी फायदा पहुंचाने की कोई स्थिति ही नहीं है। भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किल बढ़ी, यूपी के बिजनौर और मुरादाबाद में केस दर्ज। चुनाव आयोग ने दिया था FIR दर्ज करने का निर्देश, आजम खान को रैली पर भी लगा दी थी रोक। 11 अप्रैल को आजम खान ने दिया था विवादित भाषण, बिजनौर के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने दर्ज कराया केस। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की मधुसूदन मिस्त्री की शिकायत, सुषमा स्वराज के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। मिस्त्री की टिप्पणी पर को बीजेपी ने बताया आचार संहिता का उल्लंघन, चुनाव आयोग कर सकता है कार्रवाई। देश भर में दौरे के बाद अब यूपी में मोदी राहुल को चुनौती देने पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल, आज पकड़ेंगे बनारस की ट्रेन। बनारस में नुक्कड़ करेंगे केजरीवाल, घर घर जाकर मांगेंगे वोट। केजरीवाल ने की बनारस के लोगों से अपील, कहा मोदी को हराने के सपने देखें बनारस वासी। केजरीवाल ने कहा, राहुल और मोदी को जिताने वालों से उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बदलने वाला, एक बार हरा के देखो सब कुछ बदल जाएगा। बनारस के अलावा अमेठी में भी जाएंगे केजरीवाल, कुमार विश्वास के लिए चलाएंगे चुनावी मुहिम। तमिलनाडु में मिल रहे समर्थन पर नरेंद्र मोदी का ट्वीट, भारत विजय रैली की कामयाबी के लिए चेन्नई का शुक्रिया। मोदी ने कहा, पहली बार तमिलनाडु में दिखा तीसरा मोर्चा, कहा लोगों का भला नहीं कर रहे हैं करुणानिधि और जयललिता। नरेंद्र मोदी और रजनीकांत की मुलाकात को लेकर फेसबुक पर आई प्रतिक्रियाओं की बाढ़, 3 घंटे के अंदर ही आए 15,000 कमेंट्स। मोदी और रजनीकांत की मुलाकात को 4.5 लाख लोगों ने किया लाइक, दोनों दिग्गजों के पीछे है समर्थकों की फौज। मुलाकात पर रजनीकांत का बयान, राजनीतिक नहीं है यह, है व्यक्तिगत मुलाकात। रजनीकांत ने कहा, अस्पताल में मोदी मुझे देखने आए थे इसलिए मोदी को मुलाकात का दिया था न्योता। तमिलनाडु में मोदी की रैली पर डीएमके नेता एमके स्टालिन ने किया ट्वीट, कहा देश बदलने से पहले अपने राज्य को बदले मोदी।
जयललिता ने पहली बार मोदी पर बोला हमला, लोगों से कहा जब्त करा दे कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत। मुंबई में मायावती ने भी मोदी पर छोड़े तीर, कहा अगर मोदी बन गए प्रधानमंत्री तो देश के लिए होगा खतरनाक। बिरे प्रसाद वर्मा को बाबरी मस्जिद पर विवादित बयान देना पड़ा महंगा, गोंडा में बेनी के खिलाफ दर्ज हुई FIR। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने मोदी पर बोला हमला, आसाराम बापू से की मोदी की तुलना। यानी जो भेष है, जैसे आसाराम भी कई भेष बदलता था, तो आजकल जो है वो नेता लोग भी कई तरह के भेष बदल रहे हैं, तो उसमें ज्यादा आगे जो है वो मोदी जी हैं। महंगाई को लेकर शरद यादव ने प्रधानमंत्री पर भी कसा तंज, कहा महंगाई और घोटाला मोहन सिंह है मनमोहन। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं है, ये डॉक्टर महंगाई मोहन सिंह है।